5 दिन के बाद तबीयत ठीक हो गई मेरी, पॉल्यूशन अपने आप कम हो गया, थोड़ा बहुत तो कमी हुआ ही लग रहा है आसमान देख के। अब कम हुआ या नहीं? अभी नहीं कम हुआ। हाँ जी, किसका जी का चमत्कार है जी? मोदी जी का चमत्कार है। अच्छा, आसमान में भी चलता है? और क्या भाई, हमने कहा वो बोले चमत्कार मोदी जी का, मैंने कहा चलता, बोले आसमान में भी चलता है। हाँ जी, सरकार के सारे देश है बस। अच्छा, मोदी जी के सारे नहीं है, चमत्कार के सारे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ से हो भैया? हम उड़ीसा से। उड़ीसा से? अरे गजब है भाई, जादू तुम्हारा। क्या है? अच्छा, फोटो ले लिया है? कहाँ से? उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से? क्या नाम हो गया? गणेश महाकुट जी है। गणेश महाकुट? गणेश, गणेश महाकुट, गणेश महाकुट। अच्छा, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ना नेता राज हो, ना अफसर राज हो, बस कानून का। जी भाऊ जी, आप रोज आते हैं हमारे पास शो में? सुनते नहीं ना हमारी? हम सुनते नहीं, हम तो किसी की नहीं सुनते। घर वाले भी यही कहते हैं कि तुम किसी की नहीं सुनते हो। नेताओं की सुनता हूँ बस, बस बस, क्योंकि मुझे उन्हीं से फायदा होता है, उन्हीं से सुनता हूँ। और बुजुर्ग आदमी की तो मैं कतई नहीं सुनता ना। हाँ, पॉल्यूशन है ना जी। कैसे हैं? दिखाऊं? नहीं नहीं दिखाए ना, बड़े कई फाइलों के साथ आते हैं आप, तो मैं आज एक काम करता हूँ, आज आपकी सुन लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, शिकायत आपको भी ना रहे। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। क्या नाम है? गरिमा। गरिमा, आ गया ये गरिमा जी? किधर जा रही थी, किधर आ गई, क्या कैसे रुक गई, ये मुझे बताइए। शॉपिंग के लिए आई थी, देख के रुक गई। तो शॉपिंग हो गई या अभी जाएंगे? हो गई शॉपिंग। हो गई? कितने रुपए की शॉपिंग करी मैंने? अरे रुकिए, मैं आ रहा हूँ सर। कितने रुपए की शॉपिंग करी आज, या कार्ड से करी, किससे, कितने से, कितने? कैश करिए बस। कितने की? 900 पर। 900 रुपए की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आजकल जब आप शॉपिंग किया करें, तो मैं आजकल ये करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, बाकी तो नहीं, 5 या 10 रुपए बचा लेता हूँ हर शॉपिंग में, बचाता हूँ, बताऊंगा बाद में। जब एक गुल्लक मैंने रखी है, उस गुल्लक में मैं 5 या 10 रुपए पाजी डाल देता हूँ। जी हाँ जी, कैसे बचाते हैं वो तो बता दीजिए। वो तो मैं बता दूंगा, जरूर बताऊंगा आपसे। मैं कहता हूँ आप भी शुरू करिए हुजूर आली। और वो कहाँ काम आता है ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे काम आता है ये भी जरूर बताऊंगा, हर चीज जरूरत की होती है। मैम आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या नाम हो गया? सुनीता। आपका सर? दास कुमार जी। तो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन में है? आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है। आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है, इसके अलावा मैं आ रहा हूँ, मैम आ रहा हूँ, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, जरूर पूछूंगा जी। बहुत देखते हैं। हाँ बहुत देखते हैं प्रोग्राम। लाइव देखने का मौका मिला आज, लाइव देखने का मौका मिल गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। देखते हैं आपको जी, हमेशा टीवी पर देखा है जी, और आज आपको साक्षात देख, साक्षात देख लो। तो साक्षात वाला ठीक है, मतलब ठीक ही है ना? दोनों ठीक है, दोनों ठीक ही है, काम चल जाएगा। पाजी मैं आया, उधर भी आया, मैं उधर भी बातचीत करूंगा, मुझे मालूम है एक दो लोग खड़े हैं उधर। तो गरिमा मैं कह रहा था कि जरूरत है थोड़ा बहुत बचाने की भी, है ना, वक्त पे। क्या काम करती हैं आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट, अरे तो फिर तो आपसे हमें सीखना चाहिए, तो इससे अच्छा तो कोई और बताने वाला हो ही नहीं सकता। अकाउंटेंट वो चीज़ है, मतलब वो शख्स है, वो शख्सियत है जो सिखा सकता है कि पैसे कैसे जोड़ने चाहिए, बहुत जरूरी है, थोड़े बहुत तो जरूर रखने चाहिए, जरूरत पे काम आते हैं। और किसी की, मैं कह इसलिए रहा था, किसी की बाज वक्त मदद के लिए वो जरूर काम आते हैं, इसलिए जरूर रखना चाहिए, है ना? हाँ, एक लड़की होने के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से सिर्फ 900 की शॉपिंग करी हूँ, 4 चीज लेके आई हूँ, शायद ये बचाती है। हाँ एक लड़की हूँ, 900 रुपए की शॉपिंग करके आई। आप सोचते होंगे ये प्रोग्राम में ये सब बातें क्यों करते हैं? मैं इसलिए ये बातें करता हूँ क्योंकि ये जरूरत की बातें हैं, बाकी सब फिजूल की बातें हैं, जो वापी होंगी थोड़ी देर में सब फिजूल की बातें हैं। आप लोगों से बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ, ये सारी बहुत जरूरत की बातें हैं। एक लड़की हूँ, 900 रुपए की शॉपिंग करके आया हूँ, प्लीज ये पॉइंट, 4 चीजें लेके आई हूँ, हमारी समझ से ये बचत की ही चीज है, ऑफकोर्स बचत की चीज है। मुझे आपसे आज एक सबक मिला और मैंने इसको अपने माथे पे बांध लिया, और ये बहुत जरूरत की चीज है जी। थैंक यू जी, मैं आया 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 मैं आया सर, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी जी, मैं आ गया जी। कैसी हैं आप? आदाब, शुक्रिया। एक्चुअली आज ये ऑड इवन का जो इशू चल रहा है, सबसे अहम मुद्दा ये है कि हम सब चीज को सपोर्ट करते हैं जो आपका ऑड इवन नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास, किसी के पास 2 गाड़ियां, किसी के पास 3 है, लेकिन आज जिस तरह से कानून का माहौल उड़ाया गया वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत गलत संदेश जाता है कि आप देश के सर्वोच्च न्यायालय से और सर्वोच्च संसद भवन से जो कानून पारित होते हैं और उन्हीं को नुमाइंदगी करने वाले अगर इस तरह से तोड़े तो ये बहुत गलत मैसेज जाता है आवाम के पास, वो नहीं होना चाहिए। बाकी यह है कि ऑड इवन से कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता है पॉल्यूशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी है कि बताइए क्या फायदा हुआ जी, नहीं, और ये मैं बताऊं जो बोल रही है
वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी अच्छी प्रवक्ता है, बहुत शानदार। अच्छी प्रवक्ता नहीं, हमारी अच्छी मित्र है और वो वहाँ खड़ी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रिपब्लिक पर डिबेट कर रही थी इसी से संबंधित, लेकिन वहाँ से ली तो आपसे दुआ सलाम करने आई सिवाने। और ऐसे ही प्रवक्ता होने चाहिए जो बगैर बुलाए भी आ जाए। और मुझे ऐसे ही मेहमान अच्छे लगते हैं जो इधर भी हो उधर भी हो हर जगह हो। थैंक यू सो मच। तो वक्त नहीं देंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया जी। मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। शेर कहेंगे आज? अच्छा, हरियाणा का आदमी जब शेर कहने लगे, उसको मानवेगा, ऐसे मत सोचिएगा। हरियाणा का आदमी जब शेर कहे तो उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वाह इरशाद, कहूं मैं इरशाद? मैं कहूं? हाँ, इरशाद तो मेरा कहना होता है। साथियों, अगर पुकारे देश तो कह दो कि आते हैं, अगर मांग ले शीश देश तो कह दो कि लाते हैं। तुमसे एक चीज तो मुझे भी सीखनी है। वकील साहब नमस्कार, थैंक यू सो मच। एक चीज तो कॉमरेड मुझे आपसे सीखनी है, बहुत जरूरी है वो सीखना। वो शाम को आप आते आते इतने मस्ती में कैसे आ जाते हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे सीखना है। लो, मुझे ये बात आपसे सीखनी है कि शाम होते होते, बहरहाल इस मुल्क में बहुत सारी समस्याएं हैं। जी मैं आ गया। हाँ जी, ये हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। और तो डांट क्यों रहे हैं बनारस के रहने वाले? आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपने जो टीवी चैनल पर बोला एक दिन कि हम हमारे चैनल पे हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये देश है और आज वही होगा। हिंदू मुसलमान नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। मुसलमान चैलेंज पे नहीं होगा। मेरे जो लोग हैं, जो आ रहा हूँ बाबू जी, आई एम कमिंग टू यू। आप गुजरात से आए हैं और प्रोग्राम के लिए रुके हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ये सच है कि जनता जो है, मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बात सच है कि जनता जो है ये नहीं देखना चाहती। उसके सामने बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़े बड़े समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम जैसे बच्चों की नौकरियों का सवाल है, प्रॉब्लम जैसे नौकरी जो है वो रहेगी या जाएगी, ये भी एक सवाल है। हाँ है, सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। प्राइवेटाइजेशन को लेकर तमाम सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। सरकारी सेवा में हैं, पता नहीं उनको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा। 2004 के पेंशन का एक सवाल है, लोग पूछते हैं, कहते साहब हमने तो जिंदगी भर सेवा करी, हमारी पेंशन नहीं हुई 2004 के बाद के भर्ती वाले। लेकिन पॉलिटिशियन एक बार चुन के आया और उसकी पेंशन हो गई, तो ये भी एक सवाल है। बहुत सारे सवाल हैं और ये भी एक जायज सवाल है। जी कहाँ से आए हैं आप? हल्द्वानी से आए हैं। हल्द्वानी से? अच्छा, कैसे? प्रोग्राम हम रोज देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हल्द्वानी में? अच्छा अच्छा अच्छा, हल्द्वानी तो बहुत अच्छी जगह है। नैनीताल, हल्द्वानी, रूपनगर। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया। तो क्या नाम हो गया आपका? आपका हमारा कमला पंत। किसके साथ आई हैं? हमारे वो आए मिस्टर आए हैं। कहाँ है मिस्टर साहब? अरे इधर आइए ना साहब, वहाँ उतने दूर खड़े हैं, बताइए मिस्टर, आइए आगे आइए। क्या नाम हो गया साहब? प्रेमचंद पंत सर। प्रेमचंद पंत साहब, और कितने लोग आए हैं साथ में? पांच लोग। पांचों लोग हाथ खड़ा करो भाई अपने अपने। हम भी तो समझे कि हल्द्वानी से कोई आया है। जेठानी जी हैं। अच्छा जी जी जी, नमस्ते। जेठानी जी, देवरानी जी, और वो अच्छा बेटी है। अरे भाई प्रोग्राम है ये, अपने घर का ही तो प्रोग्राम है, तो सबके बारे में पूछना पड़ता है। जेठानी, देवरानी, बेटी सब आए? नहीं, एक मिनट। हेलो सर। हाय, कैसी हैं आप? ऑल गुड सर, आपको देख के और खुश हो गए। हाँ थैंक यू सो मच। कम यहाँ, और आपके साथ कौन है वो? फ्रेंड की फ्रेंड हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज तो मास्क वगैरह नहीं लगाया आपने। आज पॉल्यूशन कम है, आज कुदरत ने अपना करिश्मा किया है। कुदरत ने करिश्मा किया है? मोदी जी का भी है, लेकिन कुदरत का भी है। कुदरत का है? हाँ जी, भाई साहब वहाँ से यहाँ आके कह दो तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उतनी दूर सुन नहीं पाया। जी हाँ हाँ, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग अपना ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किया गया है, इस वजह से सूर्य भगवान ने भी अपना तेज दिखाया है। आप लोग विश्वास रखिए, सब काम होगा, लेकिन आस्ते आस्ते होगा। अब एक बैग खोजिएगा कि सब काम हो जाए तो मुश्किल है। सबसे पहला बात है कि जनसंख्या कंट्रोल करना भी जरूरी है। क्या बच्चे? दो है, ये क्या है? देखा ये
हाँ वो तो देख लिया हमने। अब बड़ा वाले की उम्र क्या है? अभी 3.25 साल का है। ये अभी क्या है कि मैंने स्वेच्छा से ही 2 बच्चा रखा। बहुत अच्छा काम किया। पहली बात ये है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन अन्य को भी ये देखना चाहिए। देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। क्या नाम हो गया साहब आपका? सुनील कुमार, मैं KVS का अप्लाई हूँ। हाँ, बठिंडा का केंद्रीय विद्यालय। हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन। हाँ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 5 बठिंडा में अभी पोस्टिंग है। बहुत अच्छा। कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? नहीं, टीचर नहीं है, हम नॉन टीचिंग स्टाफ है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। बहुत बहुत कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटना बिहार जिला का। पटना बिहार जी। एक मिनट खड़े रहो, खड़े रहो, रोज। हाँ, अरे आई एम सॉरी। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने काफी कुछ सुना, उन्होंने कानून के लिए भी बोला कि ऑड इवन से फर्क नहीं, बट हर किसी को ये समझना चाहिए कि छोटे छोटे इफेक्ट से ही फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हर चीज से होता है। और हर एक नागरिक का पूरा अधिकार है कि वो खुद अपने लिए स्टेप उठाए। गवर्नमेंट हम से बनी है, हमने गवर्नमेंट को बनाया है, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम खुद अपनी एनवायरमेंट का ध्यान रखें। पहले हमारा है सर। हेलो हेलो, एक बार और पहले बनिया सुन लीजिए। बहुत सारे लोग, मैं अभी आ रहा था स्टेशन से। बोलते यार, बहुत है यार, बोलना ही पड़ेगा। हम पटना का है और बोलना ही पड़ेगा। जो पूरी दुनिया पर 75% भूभाग पर हुकूमत किया है, आज तो बोलेगा क्या नहीं? हाँ, ठीक है, पहली बार बोलेगा, जरूर बोलेगा। अभी मैंने अभी आया हूँ स्टेशन से। हाँ। तो ये जो आपका ऑटो वाले हैं, हाँ, एक लाइन से जो खड़े होकर थूकते हैं वहीं पे। हाँ। जब सरकार ने ये नियम निकाल रखा है, ये आप अपने से देखना चाहिए। जो आदमी घर पर नहीं थूक थाक करता है, तो रोड पे क्यों करेगा? वो सही बात बोले, गलत बोले नहीं बोले, ऐसा कैसे करेगा वो? हाँ हेलो, अरे रुको भाई, पटना वाले को अगर गलती से माइक दे दिया तो नौकरी आपकी गई। अरे जब तुम इतना बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे? हमको भी तो बोलना है। अरे तुम पटना के तो हम लखनऊ के। अरे आहिस्ता से बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे तो। अरे रुकिए सर, आप तो बहुत बोलते हैं। हाँ बताइए। हम नौकरी गंवाने के लिए तैयार हैं। अरे रुकिए, अरे नहीं, बच्चे छोटे हैं। नहीं भाई, नौकरी हम कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर चीज से समझौता कर लें। हमें सरकार निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम धंधा करेंगे, अपना मजबूत करेंगे। मोदी ने अच्छी बात बोलते हैं। मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा पकौड़ा छानने के लिए, तो छानिए, लेकिन उसका मजाक मत बनाइए। उसके भाव को समझना होगा। एक में अनेक शब्द जैसे होता है ना, ऐसे ही उन्होंने कहने का तात्पर्य भी वही होगा। इसका मतलब नाम क्या हो गया आपका? नाम क्या हो गया? नाम तो मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, एक बात बताएं आप। रुकिए, सुनील जी एक बात बता दें, नौकरी अगर जब तक मैं लूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में करिए, उसके बाद न्यूज 18 इंडिया में आ जाइएगा, और यहाँ भी बहुत चमका चमक चलेगी नौकरी आपकी। क्योंकि जब इतना बढ़िया आप बोलते हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है, फिर कोई नौकरी की चिंता नहीं करिए। नहीं, आप बहुत बढ़िया बोले। हाँ बोलो जल्दी। अभी सर ने बोला कि मोदी जी ने आज हाई लेवल मीटिंग रखा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। कैबिनेट सेक्रेटरी ने रखा, जिन्होंने भी रखा है, तो उस पर क्या डिसीजंस हुए हैं, क्या उन्होंने पॉलिसीज मेकिंग किया है, उसका इनको कोई जानकारी नहीं है। केवल अंधभक्ति सर। अरे ठीक है बहस। अरे केवल अंधभक्ति सर। क्या बोल रहे हैं कि सूर्य देव आज कुछ ज्यादा चमक गए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या मोदी जी का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट सूर्य देव से? ये टोटल अंधभक्ति है सर, ये टोटल अंधभक्ति है। बिल्कुल मैं इस भक्ति को नहीं मानता हूँ सर। मोदी जी सर फॉरेन में जाके ए प्लस बी का गलत फॉर्मूला बताते हैं। इस प्रकार की अंधभक्ति चल रही है सर। 125 करोड़ लोगों को घरों की चाबियां दे देते हैं, तो सर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तुम करा कि नहीं किया? आओ आप यार, मैं करूंगा। अरे अब तुम ना बोलो यार, हो जाए। अरे रुको, आप छोड़ दो, रहने दो, बोलोगे क्या? जवाब दिया जाएगा सर। हाँ, टाइम तो दे दिया आपको, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो गई होगी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं हम। हम रोज आपका प्रोग्राम देखते हैं। ऑड इवन के बारे में हमें यही कहना है कि अब जो विपक्षी पार्टी है वो काफी केजरीवाल जी के ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनको उपाय बताना चाहिए। देखिए अभी मैडम बोल के गई है, ठीक है ऑड इवन का बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा ना। अगर आप आज अखबार की वो देखें कटिंग, उसमें आया कितना परसेंट किस चीज से हो रहा है। तो अगर केजरीवाल जी कुछ कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो भी काफी नहीं है। अभी बहुत कुछ करना उसमें बाकी है, लेकिन जैसे दिल्ली की अपोजिशन पार्टी उनको क्रिटिसाइज कर रही है, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। मुझे मैं आ गया आपके पास आ गया मैं, उसके बाद मैं तारुफ कराता हूँ। सर ये
मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला का। अच्छा, आप बिहार से हैं? जी हाँ, ठीक, अभी वहाँ बिहार वाले ही तो थे। बिहार मधुबनी जिला मधवापुर ब्लॉक है मेरा। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है। मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान साहब बताइए क्या चक्कर है बेटा? मधवापुर ब्लॉक है मेरा। जी 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 जी। पंचायत बलवा है, ग्राम अहूरा है। ये लड़का मेरा नेत्रहीन है। हाँ नेत्रहीन है। इसको हाथ से पहले पैसा मिलता था, पेंसिल तो मिलता था, जब से खाता सिस्टम हुआ है पैसा बंद कर दिया गया। अब बंद करने का ब्लॉक का चक्कर लगाया। कितना रुपए पेंशन आता था महीने? पेंशन वो 400-500 रुपए आता था महीना। 400-500 में? 400 या 500 मतलब पक्का नहीं, वो इतने 400 रुपए उस बंद कर दिया। हाँ। उसके बाद ब्लॉक का चक्कर काट काट के थक गए, इस महीने आ जाएगा, उस महीने आ जाएगा। कितने महीने से नहीं आया? ये 3 साल से नहीं आया, जब से खाता सिस्टम हुआ है तब से नहीं आया। तो आपने पता करा? पता करा ना, मैं रोज ब्लॉक का चक्कर काट रहा हूँ। क्या बोलते हैं वो? उप मुख्यमंत्री को लेटर दिया, डीएम को लेटर दिया, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री, फिर आप प्रधानमंत्री के पास में पहुँच गया। हाँ। लीजिए प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं किया। हाँ। गाल लो बाबा जी का ठुल्लू, यही है। हाँ। तो क्या काम करेगा ये? सबको रिश्वत प्रधान। एक मिनट रुकिए, हल्ला मचाते हैं आप लोग। अगर रिश्वत चाहिए तो बोले, रिश्वत ही। अरे अब आप गुस्सा ना हो, नाराज ना हो। अरे भाई सुनिए, हर आदमी रिश्वत मांग रहा है। अरे आपको पेंशन से मतलब है ना, तो काहे के लिए इतना ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं? रुकिए, क्या दिक्कत, क्या बताइए मुझे, कहाँ प्रधानमंत्री का चिट्ठी है? ये ना देखिए, मुख्य सचिव को भेजा, कुछ नहीं किया उसने। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वहाँ भी पता किया, कुछ नहीं किया, कूड़े में डाल दिया। लोक शिकायत आयोग बिहार पटना भेजा। ये 4/10/2019 का है आपका जो रिसीविंग है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो ये गया तो इसमें तो लिखा है कि उसने कुछ नहीं किया ना अभी तक। तो आप वहाँ पहुँच गए? कुछ नहीं किया। तो करिए, नहीं हो तो फिर बताइए, नहीं हो तो फिर बताइए कि नहीं हो रहा ना, तभी तो 10/4 का तो है ना ये। 10/4 का तो उसको चिट्ठी जा चुका है, उसने कुछ नहीं किया। जब एक महीना हुआ अभी, 15 दिन के बाद इसने बुलाया था रेल भवन में। हाँ। रेल भवन में किया, वो कह रहा मैंने भेज दिया, वो नहीं कर रहा तो मैं कुछ कर सकता। रेल भवन में प्रधानमंत्री के कार्यालय में बोला मैं। कौन सा ग्राम है आपका? ग्राम अहूरा है। ग्राम अहूरा? अहूरा। ब्लॉक? ब्लॉक मधवापुर। और जिला? जिला मधुबनी। नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है। और बेटे का नाम? मोहम्मद परवेज। भाई ये इनकी दरखास्त है और बिहार सरकार से दरखास्त है कि इनका ये काम हो, और कायदे से तो एसडीएम को कहना चाहिए था ये काम। डीएम का फोन नंबर चाहिए तो मैं दूंगा। किसका? कलेक्टर का, जिला कलेक्टर। अच्छा चलिए, आप मुझे डीएम साहब का नंबर दीजिएगा, मैं मिलाऊंगा जनाबे आली, मैं मिलाऊंगा। हाँ ये मैंने देख लिया, मैं नंबर मिलाऊंगा जरूर मिलाऊंगा जी। आज तो मैंने सब बहुत ज्यादा बात की, अब रह गए आप? अरे मैं तो वो कहाँ गया आपका गमछा, कहाँ गया आपका, क्या बात कर रहे भैया जी? गमछा अरे इतनी गर्मी है आजकल तो गमछा नहीं लगा रहे हैं। अच्छा मैं लगा लूंगा, गमछा लगा लूं जी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हम लोग। मेरा नाम शोभना खरे है जी, और मैं पॉल्यूशन के बारे में सुझाव देना चाहती हूँ। अरे दीजिए दीजिए। हाँ, कि सबको तुलसी के पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। हाँ। वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। घर में तो एक एक सब लगाते हैं, तो एक से ज्यादा लगाएं। हाँ। बाकी वृक्षारोपण होता है, उसके साथ साथ तुलसी के पौधे जरूर लगाएं, उससे पॉल्यूशन कम होगा। बिल्कुल सही बात है, लगाएं, तुलसी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। जी जी बिल्कुल ठीक है, और मैं गमछा जरूर बांध लूंगा। और मैं कह रहा हूँ जी, भगवान राम के बारे में कहना चाहता हूँ, केवल मानना नहीं है उनको, जानना भी है उनको, मानना नहीं है। मैं तो आपको मान गया ना, तुझ बेटी जी है, लेकिन मैं अब जान भी गया आपको, मैं उनको जानना भी है, मानना भी है, और उनके लिए भी है जो कहते थे हम लोग उनको जानते हैं, किनको, मोहम्मद साहब को, उनको भी हमें जानना भी है, मानना भी है। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, ये कि ये हमें ढंग से करना, ढोंग से नहीं करना। क्या नाम हो गया साहब आपका? खरे, मेरा नाम है रवीन खरे। खरे खरे जी, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि आप राम को सिर्फ जाने ना, समझें और उसके अर्थ को समझें। बहुत अच्छी बात कही आपने, और यही बात दूसरी तरफ उन्होंने कहा। रुकिए रुकिए, सबके पास आऊंगा जी, थैंक यू सो मच। लेकिन आज का मुद्दा यह था कि पॉल्यूशन पे बात हो रही थी, हमारी सांस पे बात हो रही थी कि हम सब सांस ले रहे हैं तो कितना पॉल्यूशन है। लेकिन एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये कि हमारे जहन में कितना पोल्यूशन है, इसके तो बात हुई नहीं। हम इस पर भी बात करेंगे, और जहां आपने बात छोड़ी है आज मेहमानों का तारुफ भी अभी नहीं करा पाए हैं। दरअसल ये है कि आज मंडे, और आने वाले वो लोग ज्यादा जो अपनी समस्या अपनी बात के लिए आते हैं। एक शख्स और है
जो सामने दिख रहे हैं मुझे, पर पहले मैं मेहमानों का तारुफ कराऊंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर जमा खान साहब, प्रेसिडेंट वॉइस ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शेख अलमुद्दीन असदी साहब, प्रेसिडेंट कौमी एकता फ्रंट, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब, स्पोक पर्सन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। भरत वर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गिरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ, डी के गिरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रफी अता साहब, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, मौजूद हैं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जी मुदस्सिर साहब, पॉल्यूशन पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्रतीक जी, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए, हमारे देश में 1 मिलियन से ज्यादा लोग अस्थमा से बीमार हैं, और 7.4% जो बढ़ोतरी बच्चों में अस्थमा बीमारी की हुई है पिछले 10 सालों में, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो जेनेटिक है, जो बाप से बेटे में जाती है, माँ से बेटे में जाती है। तो मैं अपने देशवासी, देश के 85 लोगों से, सभी पार्टियों से, सभी संस्थाओं से गुजारिश करता हूं, इस समस्या को एक होकर बड़ी गंभीरता से लें और इसका जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें। जी प्रोफेसर, प्रोफेसर संजय हमसे कह रहे थे कि ये तो मुद्दा नहीं था आज आपकी बहस का। ऑफकोर्स भैया जी, कहीं में बातचीत कहां से चले, कहां से मुद्दे पे आ गया मैं, बात कहां से चले, कहां तक पहुंच जाए। दरअसल आज मुद्दा से जब आप बोल रहे थे तो मुझे लगा कि ऐसे ही बातचीत होनी चाहिए जब आप राम मंदिर या अयोध्या पे बात कहें, कि सब लोगों को मिलके बैठ के एक जैसी बात कहें और इस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ जाएं। और यही बात सबसे ज्यादा वाजिब है, जो इधर भी एक शख्स बोल रहे थे कि अगर आप राम पे विश्वास करते हैं तो राम के जो आदर्श है उन पे चल के दिखाएं, अगर आप इस्लाम हैं तो असल जो मुसलमान का अर्थ है जो मुसलसल ईमान है तो उस पर भी आप चलते हुए नजर आए। यही 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 बात थी दरअसल, और यही मुद्दा है हमारा आज का, इसी पे मुझे बात करनी थी। दो लोग शख्स यहाँ पे खड़े हैं, मैं हूँ क्या आया मैं आपके पास, ऑफकोर्स मैं आया आपके पास। जी जनाब अली जी, क्या है किताबी आपकी? जी मैं मनोज कुमार पांडे, बिहार से आया हूँ। जी जी मनोज, समस्तीपुर जिला से। जी जी, बलात्कार की घटना पढ़ी मैंने, किताब लिखी है। जी जी, बेटी मैं अपराधी हूँ। हाँ हाँ, ये पुस्तक मैं सबसे तो पहले आपको मैं भेंट करना चाहता हूँ। जी जी, और एक पुस्तक और मैं भेंट करना चाहता हूँ आपको। जी, ये आपके चैनल में जो विद्वजन हैं, हाँ हाँ हाँ, जो इसका विश्लेषण कर, मैं लाइब्रेरी में दे दूंगा इसका के लिए। पांडे जी आप बैठ जाइए भाई, आइए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। ना जनाब, ना नाम यासिर साहब, यासिर साहब जी। देखिए आज का जो मुद्दा है वो एक बहुत जमाने से हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि केस विचाराधीन था बहुत दिनों से, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना बाकी है। मेरा सिर्फ भारत के लोगों से, तमाम लोगों से जो पक्ष में थे, जो विपक्ष में रहे हैं, जिन्होंने हम सब ने मिलकर बहुत बहस करी है, सबसे एक ही गुजारिश है इस भारतवासी से, इस फैसले का आप जो इंतजार कर रहे हैं, इस फैसले का इंतजार करिए, जब फैसला आए तो स्वागत कीजिए। किसी तरह का कोई भी पूरे भारत में किसी भी संगठन का हो, चाहे वो पक्ष के संगठन का हो, चाहे वो विपक्ष के संगठन का हो, जिसके फेवर में फैसला आए, आपकी भाईचारा खत्म नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मोहब्बत है, आपकी जो संस्कृति है, जो आपकी सांस्कृतिक विरासत है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। हमें स्वागत करना चाहिए, ऐसा ना लगे कि कोई हार गया और कोई जीत गया। ये हार और जीत का फैसला नहीं है, एक आराध्य के घर का फैसला है, उस आराध्य को उनके घर में भेजना है, उसका फैसला होने जा रहा है। इस संदर्भ में मैं एक 30 सेकंड और लूंगा। इस संदर्भ में मैं खास करके जो हमारे मुस्लिम कौम के लोग हैं, जो रहबर हैं, जो बहुत अच्छे से मुसलमानों को, मुसलमान उनके फॉलोअर्स हैं, मैं उनको दो बातें कहना चाहूंगा आपको। दो मैं एग्जाम्पल के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब 1000 साल पहले केरला में पहली मस्जिद इस भारत में बनाई गई तो सनातन धर्म के हिंदू भाइयों के बिना असंभव था, क्योंकि ये भारत है और भारत की संस्कृति हमेशा मोहब्बत और भाईचारा सिखाती है। आपको मैं दूसरा संदर्भ फिर आपको देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, ये नजीर पेश होगी जो फैसला होने जा रहा है। अयोध्या इस फैसले का इंतजार कर रहा है, इंतजार कीजिए भैया, हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, जब लड़ाई खत्म होने जा रही है तो मेरी सिर्फ, मैं कोई टीका टिप्पणी कोई ऐसा नहीं चाहता हूं कि कोई आदमी इसका भी राजनीतिकरण करे, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जी, मैं एक दो दे दूं फिर आता हूं। जी भाई ने कहा मंदिर बिना हिंदू भाइयों के सहयोग से मस्जिद नहीं बन सकती थी, ऐसे ही कई मंदिर मुस्लिम सहयोग से बनी, मैंने कल भी बताया था। बिल्कुल, ये हमारी एकता है। जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जिलानी साहब, हमारे भाई, इतनी गंभीर बात एकता की कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर एकता की तरफ हमें लेके चलेगी तो पूरा देश एकता की तरफ जाएगा। क्योंकि मोदी जी, पहली चीज,
इस देश में जितनी फैन फॉलोइंग और जितना मान सम्मान इस प्रधानमंत्री को मिला है, जो उनकी बात की मान्यता लोग इस देश की जनता करती है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे को उठाएं और प्रेम के साथ आवाज दें देशवासियों को, तो सारा देशवादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ खड़ा होगा। और चाहे वो मस्जिद का मसला हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे पॉल्यूशन का हो, चाहे पॉपुलेशन का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे जीडीपी का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे दुबई का हो, चाहे अमेरिका का हो, बिल्कुल 100% ये पूरा होगा। जिलानी साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं गुजारिश करता हूं, आप हर मुद्दे पर इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलिए, हर मुद्दे पर ऐसी आगे आइए, हर मुद्दे पर ऐसा बयान दीजिए, देखिए हमारा देश बहुत आगे जाएगा। मुदरसे साहब, आप यकीन माने कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। आप यकीन करें और सबका विश्वास, यकीन करें, यकीन करें। देखिए इस वक्त आराध्य के घर की बात हो रही है, आराध्य के घर की बात हो रही है, 100 करोड़ सनातन धर्म के हिंदू भाइयों की आस्था का। मैं भाई साहब जिलानी साहब के बात से मैं संपूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन ये लोग भी कहना बंद कर दे, कोर्ट का फैसला कुछ भी हो हम मंदिर वही बनाएंगे, ये भी तो गलत है ना, ये गलत है। तो ये ना कहे, ये नहीं कहे, कोर्ट का फैसला का इंतजार करें, जो कोर्ट का फैसला होगा सब लोग मानेंगे। लेकिन जो लोग बड़ा उत्साह से कह रहे हैं कोर्ट का फैसला कुछ भी हो वो भी गलत बात है, ऐसे नहीं, कोई नहीं कह रहे। प्रतीक जी, देश ने भरोसा किया है इस सरकार पर, बिल्कुल ठीक, और देश ने भरोसा 92 में कल्याण सिंह पे भी किया था। देश का मुसलमान आज भी भारत सरकार पे यकीन रखता है और भारत के संविधान पे यकीन रखता है। हम अगर जो फैसला होगा, अदालत जो फैसला देगी हमें कबूल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और इसके संगठन इस देश को विश्वास दिलाए, क्योंकि पर्दे के बाहर कुछ और कहते हैं, पर्दे के पीछे कुछ कहते हैं। यह साबित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के फैसले से। मोहम्मद रफी साहब, आरएसएस ने कहा कि जो भी फैसला आएगा खुले दिल से हम उसे स्वीकार करेंगे। अब बता दो, मैं कुछ पृष्ठभूमि बताने से शुरू करूंगा। 707वीं शताब्दी में जब भारत पे आक्रमण शुरू हुआ इस्लाम का, कंटेक्स्ट में ये 3000 से ऊपर। हाँ, मैं समझ गया, मैं ला रहा हूँ, वही ला रहा हूँ, मैं वही लाऊंगा। चुप रहा, मुझे बोलने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बात बोलिए ना, उत्तर दीजिए। नहीं, वही आएंगे, वही आएंगे, मैं रोक दिया। हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात है। 3000 से ऊपर मंदिर तोड़े गए, पर जब से ये अभियान चला श्री राम जन्मभूमि का, पहले दिन से विश्व हिंदू परिषद वगैरह ने ये कहा, एक ही बात कही उन्होंने कि तीन मंदिर प्रमुख, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, इन तीन को कर दें और बाकी को विषय खत्म करें, आगे बढ़े। इस धरती पे ही, इस धरती पे ही सब जन्मे, उन्हीं ने रहना है, यही जीना है, यही मरना हम सब ने। तो पहली बात थी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। नो, मैं आ रहा हूँ। सवाल था राम मंदिर का, उसका फैसला आना है। और जो विनय कटियार जी ने कहा, राज्यसभा के एमपी हैं बीजेपी के, जो उन्होंने कहा कि वही वाली बात कि इसके बाद वो काशी और मथुरा, और ये नो, जो बात है मौजूद है उसी पे बात करें, और जो बात तय होनी है वही करें, और इस देश में अमन और चैन की बात करें। जी बिल्कुल, जवाब ले लीजिए। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं आपके साथ ऑथराइज्ड प्रवक्ता खड़ा हूं, जो बात मैं कहूंगा वो बात संगठन कह रहा है, वो बात जो लोग बना रहे हैं सारा सिस्टम, जो भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, मैं उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और करता रहता हूं। यकीन माने कि हमने पहले ही शुरुआत में कहा कि ये आराध्य के घर की बात है, उनको घर में पहुंचाना है, अयोध्या केंद्र बिंदु है, 100 करोड़। देखिए भगवान ऐसे तमाम लोगों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह की बात करते हैं, हम यही कहेंगे। इस वक्त विचारणीय है, इस वक्त जो फैसला आना है उस पर हम विचार करेंगे, वो फैसला आएगा, और फैसला आने के बाद तमाम भारत के नागरिकों से एक ही अपील है कि सद्भावना, भाईचारा, इत्तेहाद, इखलाक
और जो हमारी संस्कृति विरासत में मिली है उसको बरकरार रखें। कौन क्या कहता है इस पे पब्लिक ध्यान नहीं दे। जी पहली बात प्रतीक जी, मुझे इस बात से सख्त खिलाफत है कि भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुओं की पार्टी नहीं है। 100 करोड़ हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, ये मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। आप चुप रहिए, पहले मुझे कुछ बात सुन लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। हम हिंदू परिषद से अपनी बात कहेंगे, आप चुप रहिए। दूसरा, ये मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। हम भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को मुगलों की संतान नहीं मानते, वो हमारे भाई और भारत माँ के बेटे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। तीसरा, तीन स्थान, देखिए क्या सही है क्या गलत, इसका विश्लेषण होना चाहिए। क्या सही है क्या गलत, कोई क्या कहता है इसको भूल जाइए। क्या सही है क्या गलत, भूल जाएं। आप जब बोलते हैं, ये नौजवान आपके सामने खड़ा था और अभी 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 यासिर बोले, आप जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, तो किसी को अधिकार नहीं, नहीं है। आप कहिए ना सीधे कि हम सारे जितने हैं सब हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, तो आप उनकी संतान, अब इनकी संतान क्यों गिनाने लगते हैं, काहे गिनाने लगते हैं। भारत तो बापुरी बात तो दीजिए, हम भारत माँ की संतान मानते हैं। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, वो गलत किया आपने। जो अत्याचार औरंगजेब ने, बाबर ने किए हैं, उनसे आप यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों क्यों जोड़ते हैं, हम तो नहीं जोड़ते। प्रश्न ये है कि जो मुगलों ने अत्याचार किए हैं, क्या वो अत्याचार मेरे घर में अगर आप कब्जा कर लेंगे, मैं अपना घर वापस नहीं मांगूंगा। मैं अपने देश के युवाओं से अपील करता हूं, जितने लोग यहां खड़े हैं, मैं अपील करता हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखिए। ये जिनका नाम ले रहे हैं उनका इतिहास उठा के देखिए, आप अपनी लाइन पर रहिए। मैं जिलानी साहब से और भाई साहब से एक बात कहना चाहूंगा, जिस जिम्मेदारी से, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी की बात की है, क्योंकि जिस जिम्मेदारी से जिलानी साहब ने आज बात रखी है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर गलत आपत्तियां करते हैं, गलत विवाद देते हैं, गलत बयान देते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अपनी पार्टी से कहें कि उनके खिलाफ कार्यवाही करें। एक बात सुन लीजिए, बाबर हमारा बादशाह है, रहेगा। औरंगजेब ने 3 मंदिर बनाए दिल्ली में, लाल किले के सामने जैन मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर, लाल मंदिर, उसको आप इल्जाम मत दीजिए। इतिहास को मौलाना, इतिहास को मौलाना, 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 जहां गलत, मौलाना जहां गलत था मैंने उसको टोका, जो गलत है वो टोका। बाबर, 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 आपने अंग्रेजों की 100 साल आपने यहाँ बहुत एहतराम करते हैं, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं हम आपसे। ना ना देखिए, बहुत एहतराम करते हैं। देखिए एक 30 सेकंड में ले लीजिए। देखिए जिस तरह की बात अभी ये कह रहे हैं, ये उन्माद है, ये हमें नहीं चाहिए। मैं आपको सच्चाई बताना, आगे बढ़िए, आगे सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब भारत आजाद हुआ, मकसद नहीं है, नहीं नहीं, जब भारत, इनको बता देना चाहता हूँ, भारत आजाद हुआ, मजहब के बुनियाद पे भारत को अलग किया गया, कुछ चंद मुसलमान यहाँ रुक गए, उसको यहाँ अब तक बड़ा और खड़ा करने में सनातन धर्म में जितनी मदद करी है ये सोच भी नहीं सकते हैं। सनातन धर्म की कोशिश थी, उन्होंने आज उनको बड़ा और खड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया, और ये एहसान है तो हमें भी एहसान नहीं है, ये एहसान नहीं है, एहसान नहीं, एहसान। मैं बहुत स्पष्ट लफ्जों से कहना चाहता हूँ। क्या नाम भैया? मुस्तफा रजा खान। मुस्तफा रजा, मैं बोलना चाहता हूँ, साहब की वहां से बात चालू कर देता हूँ। 700 साल की बात उन्होंने कही, तो उनको संविधान पर भरोसा करना पड़ेगा कि 1950 से पहले, और हमारे पटेल जी ने देश को जब जोड़ा तब भारत बना, उससे पहले रियासतों में बटा हुआ था अलग अलग जगह, और राजपूतों ने अलग अलग, बहुत सारे, मैं नाम लूंगा, माफी चाहता हूँ, मैं कान पकड़ता हूँ कि किसी का ठीक है, तुमने बिल्कुल सही बात कही। मैं 700 साल वाले जो बात आपने कही है वो ये बात सच है कि हमने अपना आइन बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वही आइन और वही कॉन्स्टिट्यूशन, उसी की किताब को हम अपनी सबसे बड़ी किताब मानते हैं, वही है, और उसी के हिसाब से देश चलेगा। जहां तक देश की बात है, देश पर नो, 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 गलत। बस एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा, आप सारे लोग, तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, और वो सारे तमाम सारे लोग जो टेलीविजन देखते हैं, रोज देखते हैं, शो देखते हैं, उनसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश, देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे ठेस पहुंचे।
और ये बार बार मैं गुजारिश करता हूँ, बार बार कहता हूँ, आज मुदस्सिर ने जो बात कही मैं उससे बहुत 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 आपसे मुतासर हूँ। आपने जो बात कही, जितनी समझदारी वाली बात आपने कही, यासिर जिन्होंने आज बात रखी, मैं उन बात से बिल्कुल समझता हूँ कि यही सोच है और यही सोच होनी चाहिए। क्या जबरदस्ती नहीं किसी से कोई, ये मुझे मालूम है कि जब फैसला कोर्ट को करना है तो हमें इस पर यकीन करने में, इस बात को कहने में, डीके साहब इस बात को कहने में क्या हर्ज है कि जब कोर्ट का जो फैसला आएगा हम मानेंगे, खत्म हो गई बात, इतनी सी बात है। जी मैं आ गया सर, आ गया, आपको आई विल गिव यू टाइम, आपको सर, आपको आई विल गिव यू, आई विल गिव यू। हमने आपसे स्पष्ट तौर से कहा है कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, दो मत है ही नहीं। अब मैं मंदिरों पे आता हूँ, मथुरा पे आता हूँ और काशी पे आता हूँ, देखिए तथ्यों पे जाइए। नहीं आएंगे उसमें, हमें नहीं आना, हमें बात ही नहीं करनी है, हमें उस पर बात नहीं करनी है, नहीं करनी है, हमें नहीं करनी बात, हमें करनी नहीं बात, नहीं हमें नहीं करनी बात, हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी है। और अगर उसका उसका बात क्यों नहीं करनी है, उसका जवाब है तो आप लीजिए इनसे, ये बताएंगे क्यों नहीं करनी है। मैं देखिए, मैं फिर अभी जो हमारे मोहतरम ने बात जो कही है उनका जवाब देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, ये जो महीना है बड़ा बाबरकत महीना है, हमारे प्रॉफिट की पैदाइश इसी महीने में हुई थी। आप कम से कम उनसे सीख लें। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी के साथ नाहक फसाद करते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, तो आपको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, आप कभी भी अपने आप को, सुन लीजिएगा, आप कभी भी अपने, अगर आप ये कहते हैं, नहीं अगर आप अगर देखिए मैं आपकी बात पूरी सुन लूंगा, आप सुनते ही नहीं, मैं आपकी बात सुन लूंगा, पूरी सुन लूंगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं नहीं आऊंगा, मजबूरी है मेरी, मैं कहा नहीं, तो मैं आपसे कहता हूँ ना आइएगा, ना आइएगा, ना आइएगा। मेरा जो ये इतने ज्यादा गुस्से में आ रहे थे अलीमुद्दीन भाई, इन्हें समझना चाहिए फसाद के लिए। आपको मालूम नहीं कि मुल्क इस समय किस जगह पे खड़ा है, किस दौराहे पे खड़ा है, कहाँ पे है, आपको समझ में नहीं आती बात। देखिए मैं इसीलिए ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये समझना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में जरूरत है अमन और चैन की, मुल्क को जरूरत है मोहब्बत की, मुल्क को ऐसे फसादी और ऐसे झगड़े वाले लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं। रोटी सेक लीजिए, रोटी सेक लीजिए, रोटी सेक लीजिए, रोटी की जरूरत है, नो बड़ी विल स्पीक नाउ। ना खुलेआम कह रहे हैं औरंगजेब ने तीन मंदिर बनाए, मैंने डाटा उन्हें, मैंने कहा ये गलत है, कहा गलत है, देखिए देखिए, हमने पहले ही आपसे कहा कि 20 करोड़ मुसलमान हमारे भाई हैं, हमने पहले ही आपसे कहा हम उनको मुगलों से नहीं जोड़ते, इसमें क्या आपत्ति है। हम बात कर रहे हैं मुगलों के अत्याचार की, हम भारत के 20 करोड़ मुसलमान हमारे भाई हैं, हम हमारी बात कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू करिए, आप पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए, तथ्यों पे जाइए। हम आपके रग में मुगलों का खून नहीं बहता, आपका हमारा और आपका खून एक है। मुगल कहाँ से आ गए, बड़े मुगल आ गए वहाँ से। हम देश के मुसलमानों को औरंगजेब से बिल्कुल नहीं जोड़ते, वो हमारे भाई हैं। 1670 में औरंगजेब ने दोनों मंदिर तोड़े, आप गूगल करिए, आप इतिहास की पुस्तकें पढ़िए, गूगल नहीं बताएगा, शास्त्र बताएगा तो वो बताएगा। मुझे मेरे मुसलमान भाई ये बता दे, अगर मक्का मदीना को तोड़ देगा तो वापस मांगेंगे नहीं मांगेंगे, मुझे बताइए, ये हिंदू समाज का हर। देखिए एक चीज क्लियर कर दूं, आप यही कहिएगा भारत माता की जय, चाहे कोई कुछ कहे। देखो मैं आगे नोटिस, नहीं नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मोदी जी कहते हैं, ठीक है, मोदी जी यही कह रहे हैं कि शांति बनाई रही है जैसे 2010 में बनाई थी। जी अब चुपचाप खड़े रहिएगा, नहीं तो आज घर ही ले चलूंगा मैं आपको अपने। अब मैं देखे, मैं यही बात स्पष्ट कर रहा हूं भाई को भी, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, मैंने कहा मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारा है। मैं मुसलमानों के लिए कह रहा हूं खासतौर से, सुनिए मेरी पूरी बात। मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, सबने दी, पाकिस्तान बना, मुसलमान वहां गए, उनकी कुर्बानियां वहां, उनको सुनो मैं क्या कह रहा हूं, उनकी कुर्बानियां उस देश में याद की जाती हैं, यहां सबकी कुर्बानियां याद की जाती है। मुसलमानों को समझना होगा कि ये देश हिंदुस्तान है, हमें इसका मान रखना चाहिए, इस देश के कानून को सर्वोपरि मानना चाहिए। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, हमारे मजहब में एक कानून होता है इस्लामिक कानून जो सऊदी अरब से चलता है, जिसमें उनकी जो वहां इंप्लीमेंट किया जाता है, जो इंप्लीमेंट किया जाता है। पर मैं हर मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बताना चाहता हूं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और ये बात हमारे कुरान शरीफ कुरान पाक में है कि देश का कानून जो होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा।
नौजवान है हिंदुस्तान का और इस पे हमें नाज है। यह है हिंदुस्तान का नौजवान। अब बोलो भारत माता की जय। अब बोलना चाहिए आप भारत माता की जय। यह है नौजवान हमारा। यह है जी। हम यही तो कहना चाहते हैं, हम यही तो कहना चाहते हैं, हम यही सुनना चाहते हैं भैया। हिंसा की कोई बात नहीं है। देखिए हिंदुओं मुसलमान समाज को समझना होगा, हमारे तीन स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और हमारा राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का विवाद पटाक्षेप होने वाला है, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। जो जो अदालत का फैसला वो मानेंगे। प्रश्न है मथुरा और काशी का। हम ये चाहते हैं प्यार से मोहब्बत से दोनों समाज बैठे, मुसलमान भाई इस बात को समझें कि दोनों स्थान कितने महत्वपूर्ण हैं, और अगर यदि उनको लगता है कि वाकई ये स्थान तोड़े गए थे तो उसको वापस लेने में हर्ज क्या है। मैं चुप रहिएगा। मैं अभी कह दूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा आपको। ये तो सेटल हो गया, अब अगले बाकी चुनाव के लिए तो और उलझा के रखो। ये तो सेटल हो गया, अब बाकी दोनों को उलझा के रखो। नो थैंक यू मैम। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं विकासपुरी से। विकासपुरी से प्रोग्राम देख रहे हैं आप? देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। मैम बस यही चीज है, और आप भी दुआ करेंगे, आप तो सीनियर हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि बड़ी ईमानदारी के साथ, बेहद ईमानदारी के साथ, इससे ज्यादा ईमानदारी के साथ बात कुछ और नहीं हो सकती। बस सिर्फ गुजारिश यह है कि अमन जो है वो रहना चाहिए, सर्वोपरि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ। और मुल्क की तरक्की, तुमने क्या कहा था कि मैं बाबर की बात क्यों करूं? क्या नाम है आपका? मुस्तफा रजा खान। हाँ मुस्तफा रजा खान साहब, आपने कहा कि मैं बाबर की बात क्यों करूं, मुझे तो बात अपने बेटे की करनी है। आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल सही बात कही। सर मेरा ये कहना, तीन लोगों ने तीन तीन बातें कही थी जिसमें कुछ बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन उनमें कुछ चीजें ऐसी जोड़ी गई जो खेद पहुंचाती है लोगों को। जब कहा कि न्यायालय का सम्मान करना है तो अपना पक्ष इनका पक्ष सब कुछ भूलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा न्यायालय सर्वोपरि है, कहना पड़ेगा, बिल्कुल कहना पड़ेगा, यही कहना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। जी आप बोलिए। आप जी। हाँ भैया, मैं प्रशांत शर्मा जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैं राम मंदिर के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे साथ, मैं ब्राह्मण महासभा से जुड़ा हूँ, हिंदू मुसलमान सभी लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं। वहाँ सभी लोग ने एक बैठक के अंदर हाथ उठा के ये कहा कि ये देश हमारा है, ये मसला धर्म का है ही नहीं, ये आस्थाओं का मसला है। और मुस्लिम भाइयों ने मुझसे कहा था कि आस्था आपकी आस्था के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है, मंदिर बनेगा, शान से बनेगा और ऐसा बनेगा कि दुनिया देखेगी। आप जिस 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 एक मिनट प्लीज, जिस महासभा से हैं उसका जो पहला सेंटेंस आपने बोला मैं उससे बिल्कुल एतबार करता हूं। आपने कहा कि जो भी फैसला कोर्ट का होगा उस पे हम भरोसा रखेंगे और उसी पे हम चलेंगे, वही एक बात मात्र। थैंक यू सो मच, इतना ही कहना है और उसके बाद हमको हमारी जिम्मेदारी है और वो मुझे मालूम है। आपको अपनी सारी जिम्मेदारी मालूम है, पढ़े लिखे लोग हैं। क्या नाम है आपका? हेमा मिश्रा। कहाँ से रहने वाली हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से प्रोग्राम देखने आए हैं। जी जी सर। जी सर कहाँ से हैं? मैं दीपक पटेल अहमदाबाद से आया हूँ। जी मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो सब लोग डिबेट करते हैं, मैं अल्लामा इकबाल साहब का एक ही शेर आपको सबको सुनाना चाहता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बुलबुलें हैं, बुलबुलें हैं इसके, ये गुल। हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता, वो गुलसिता हमारा। जी सर। देखिए प्रतीक जी, अभी आपके शो में ही साबित हो गया कि देश का जो मुसलमान है कितना समझदार है, कितना अमन पसंद है। ये चंद नेता हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भ्रम फैलाते हैं। आप विश्वास मानिए, हम 20 करोड़ मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। वेरी गुड। और लेकिन एक बात बता दूं मौलाना साहब की बात का जवाब, जो मुसलमान अपने को औरंगजेब से जोड़ते हैं, बाबर को जोड़ते हैं, उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। मेरा खून इनका खून में क्या मुगल का खून है? इनके खून में भी वही खून है जो मेरे अंदर खून है। मैं सोलंकी राजपूत हूँ। हाँ। और मेरा भी इतना ही हिंदुस्तान पे हक है। अरे सोलंकी राजपूत हो तो सुनो मेरी बात, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक बात और कही है। हाँ। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं, हमको इसको इमाम हिंद, ये भी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा। तो सोलंकी देखिए देखिए यही बात दरअसल यही है, सारे मतभेद दूर हो जाएंगे। दरअसल सुनिए एक लास्ट सेंटेंस, लिसन यही है, ये वही इतनी देर से कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति को अगर आपने समझ लिया तो सारे मतभेद दूर हैं, कोई मतभेद ही नहीं। एक मिनट, अरे अरे गजब है भाई, आप मान गया आपको गजब है। देखिए मैंने एक बात कही थी परसों मोहन भागवत जी का, मैंने धन्यवाद किया था इस बात पर कि उनका बयान
ऐसा था जो आईन के मुताबिक था। हम आईन का संविधान करते हैं, जो भी फैसला आएगा पूरे हिंदुस्तान को मंजूर है। और देखिए आप जहां हैं वहीं रहिए, अच्छे से रहिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए साहब, हर आदमी जवाब जवाब नहीं करेगा ना। ला ला चाचा कहां से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार में कहां से? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से? जी जी। आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है, आपको सब मालूम है। आपका प्रोग्राम डेली मैं देखता हूँ, मैं डेली देखता हूँ आपका प्रोग्राम, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तो आपसे मिलने आया हूँ। आइए गले मिलिए। यही है ईद और यही है रोजा और यही है नवरात्रि। इस मुल्क को समझ लुकिए, हर चीज का जवाब नहीं होता मोहम्मद अता रजा साहब, हर चीज का जवाब नहीं होता। कभी कभी वेट करना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, और कंट्री में ये सब चीजें आती हैं, तो दे हैव टू वेट एंड लिसन। आज अभी बदर बेटा।